सुप्रभात स्नेही स्वजन, कैसे हैं आप व परिवारजन। आशा है कि सभी स्वस्थ एवं रुचिपूर्ण कार्यों में व्यस्त होंगे। साथियों, में आज मैं आपका परिचय माँ प्रकृति की एक और अनुपम मनमोहक आकर्षक सदाबहार श्वेत पुष्प से परिपूर्ण पुष्पलता से कराने जा रहा हूँ। इसका वानस्पतिक नाम मेंडेविला स्पेलडेंस है। यह प्रजाति मूलतः ब्राजील के रियो डे जेनेरियो से है, इसलिए इसे ब्राजीलियन जैस्मिन भी कहा जाता है। यह एपोसेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। यह काफ़ी तेजी से बढ़ने वाली सदाबहार श्वेत पुष्प लता है, जो साल भर 6 मीटर तक लंबी हो जाती है। 2 दिन पूर्व ही इसे मैं नर्सरी से लाया था। आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं एवं इसकी टिप्स एंड केयर भी के विषय में भी आपको अवगत कराऊंगा। आइए अब हम इसे रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमने 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 30% गोबर की खाद और 10% हमने इसमें नीम खली ली। अब हम इसके होल को अच्छी तरह से यह पत्थर की मिट्टी के टुकड़ों की टिकरी से कवर कर देंगे। इसके बाद जो हमने नारियल की जटाएं काटी हैं उनको इसके ऊपर फिलअप कर देंगे, ताकि हमारी मिट्टी और खाद हम जो देवें वह आसानी से बाहर जा ना सके। इसके ऊपर हम एक लेयर रेत की भी बिछा देंगे, ताकि यह जो हमने मिट्टी की टिकड़ी हुन रखी है यह इधर उधर ना जावे। अब हम इसे आधा फिलअप करेंगे। हमने हमारे सॉइल मिक्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हमारे पौधा ऊपर आ जाए इतना हमें इसे फिलअप करना है। यह पौधा काफ़ी बड़े गमले में नर्सरी से आया है। अब हम गीला भी है, इसे आसानी से हम इसे निकालेंगे। बस हमें ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसे दबा दे देंगे ताकि कोई एयर पॉकेट इसमें ना रह जावे। अब हम हमारे पौधे को आसानी से थोड़ा सा हाथ लगाकर निकालेंगे। काफ़ी बड़ा पॉट नर्सरी से आया है इस प्लांट का। हमारे पौधे को सक दिया है। अब हम हमारे सॉइल मिक्स को इसमें आसानी से भरेंगे। चारों तरफ से हमें एक जैसी मिट्टी डालना है। इसके लिए इसमें हमने खाद और पानी के लिए इतनी जगह छोड़ दी है। साथियों, यह पुष्पलता ठंड में डोरमेसी पीरियड में चली जाती है। ग्रीष्म ऋतु आने पर यह पुनः फ्लावरिंग स्टार्ट करती है और अपने मन को प्रफुल्लित कर देती है। यह 3 कलर में आती है, वाइट, पिंक और येलो। इसके फ्लावर काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। इसे करीब 12 इंच बड़े पॉट में ही हमें लगाया है। क्योंकि यह एक परमानेंट प्लांट है तो हमने इसे परमानेंट जगह दी है। पुष्पलता काफ़ी फैलती है, इससे सपोर्ट देकर घर के मचान या रेलिंग पर हम फैला सकते हैं। यह हमारे निवास को एक बेहतरीन खूबसूरती प्रदान करती है। यह एक सन लविंग प्लांट है, अतः आप इसे ऐसी जगह लगावें जहां सुबह की 4 घंटे की सनलाइट आती हो। इसकी सॉइल हमने वेल ड्रेन ली है, इसमें पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें गल जाती हैं और हम हमारे प्यारे पौधे को खो सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखना है, समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें, तब यह मल्टीपल सूट डेवलप करेगी और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का लुफ्त उठा पाएंगे। महीने में एक बार इसे नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं जब आपको इस पर कोई पेस्ट अटैक दिखाई दे, जैसे मिलीबग आदि। इसकी मिट्टी बस थोड़ी सी नम रहना चाहिए, ज़्यादा वाटरिंग इसे पसंद नहीं है। मिट्टी सूखने पर ही इसे
पानी दीजिए। शीत ऋतु छोड़कर बाकी 15-15 दिन के अंतराल में हमें काउडंग, मैनुअर, आधा चम्मच पोटा या एक महीने में हम एनपीके 19-19 भी दे सकते हैं बेहतरीन फ्लावरिंग के लिए। इसे कटिंग से मानसून में ग्रो कर सकते हैं, मगर कटिंग सेमी हार्ड होना चाहिए। परिपक्व पुष्प लता पर एयर लेइंग भी की जा सकती है। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। इस बारिश के मौसम में आप भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इस मौसम में कटिंग और पेड़ पौधे आसानी से लग जाते हैं। आशा है कि आप भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे एवं अपने स्नेही स्वजनों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करेंगे। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। हम अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका आत्मीय आभार।